आज हम बेसन की पपड़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कटोरी मैदा, एक कटोरी बेसन, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून अजवाइन और एक पिंच हींग ली हुई है। तो चलिए इसका डो लगा लेते हैं। पहले बाउल में हम मैदा डाल देंगे, अब उसी नाप से हम बेसन डाल देंगे, एक पिंच हींग डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन डाल देंगे क्रश करके, इसका टेस्ट पपड़ी में बहुत अच्छा आता है। और एक टीस्पून नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, दो से तीन स्पून तेल डाल दूंगी। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसका डो लगा लेती हूँ। डो हमारा रेडी हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा के रख देंगे। अब डो को मैं 15 से 20 मिनट के लिए आराम करने के लिए रख देती हूँ। अब 15 मिनट हो चुके हैं, हम बेसन की पपड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम लोई कर लेंगे। तेल लगा लेंगे जिससे बेसन चिपके नहीं। अब मैं इसे लोई को मैदे में हल्का लगाऊंगी जिससे हमारी लोई जो है वो चिपके नहीं। अब मैं इसे पहले थोड़ा सा बेलूंगी, ऐसी छोटी छोटी लोइयों को थोड़ा थोड़ा बेल के रखती जाऊंगी। इसे अब मैंने छोटी छोटी पपड़ी बेल ली है, अब इसको बढ़ाएंगे अपन। तो मैं इन पपड़ियों को 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा लूंगी, उसके बाद इन्हें हम फ्राई करेंगे। अब 2 घंटे हो गए, पपड़ियां सूख गई, इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गई है तो हम निकाल लेते हैं। बेसन की पपड़ी रेडी है, तो देखिए कितनी खस्ता बनी है।